दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉक में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के अंदर आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मीनार, शायद ही आपने पहले उस मीनार को देखा हो या इस मीनार के बारे में आप जानते हों। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुतुब मीनार, जहाँ से कि आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री फ़ीस की अगर बात करें तो इसके जो एंट्री फ़ीस है कुतुब मीनार की, इसकी एंट्री फ़ीस है 50 रुपये, जिसके अंदर आपको कई सारे म्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कई सारे मकबरे, कई सारी मस्जिद इसके अंदर मौजूद हैं। और इसी के अंदर एक बड़ी ही ख़ास चीज़ मौजूद है जिसको कि अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में ज़िक्र करेंगे और आपको बताएँगे इसको कब बनाया गया और किसने बनाया था और क्या इसका इस्तेमाल था। अलाई मीनार दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित इस मीनार का निर्माण महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का भी बड़ा सपना था। वह इस कुतुब मीनार से भी 2 गुना बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से यह पूरा नहीं हो सका। दोस्तों दिल्ली की जो कुतुब मीनार बनी हुई है इसी परिसर के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी उससे 2 गुनी इस मीनार को बनाना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। अलाई मीनार की बनावट और आकार आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। दक्कन के अभियानों में जीत के जश्न को यादगार बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई मीनार का निर्माण करवाया था। इससे पहले उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाड़े का आकार 4 गुना बढ़वा दिया था। खिलजी चाहते थे कि अलाई मीनार का निर्माण ऐसा किया जाए जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ऊँचाई से मेल खाए और वह कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ दिखे। अभी अलाई मीनार के पहले तल तक का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी ने इस मीनार के निर्माण में रुचि नहीं दिखाई। उनके हारने के कारण दिल्ली सल्तनत फिर से तुगलक वंश के अधीन हो गई। इस तरह से दुर्भाग्यवश अलाई मीनार अधनिर्मित ही रह गई, आज भी वैसी की वैसी है। अलाई मीनार 24.38 मीटर यानी 80 फीट ऊंची है। इसकी प्रदिति 70.72 फीट 255 फुट है। मीनार की बाहरी दीवार 19 फीट मोटी है। यह 22 लंबत आकारों में विभाजित है। अलाई मीनार लाल मलबे की एक महान संरचना है। इसके तल पर चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर मीनार पर छोटे दरवाजों की तरह बनी आकृति दर्शकों को काफ़ी लुभाती है। खोलने के दिन और समय, अलाई मीनार देखने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच हफ्ते में किसी भी दिन जा सकता है। अलाई मीनार का टूर कभी भी बना सकते हैं। वैसे ज़्यादा तापमान की वजह से मई जून में यहाँ जाने से बचना चाहिए। शाम और वीकेंड में भी बड़ी भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर रहती है, इसलिए सुबह और शाम वीकेंड के अलावा अन्य दिनों में यहाँ जाना बेहतर है। अलाई मीनार तक पहुँचने के लिए 10 रुपये इसका किराया है, प्रति विदेशी नागरिक 250 रुपये है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई मीनार दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली में स्थित मेहरौली बस डिपो से कुतुब मीनार परिसर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है, इसलिए बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है। येलो लाइन स्थित कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से उतरकर भी कुतुब मीनार परिसर तक जाया जा सकता है। यहाँ से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार परिसर के लिए ऑटो भी मिलते हैं, जिसका किराया 50 रुपये है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मीनार है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार को वो जो कुतुब मीनार बनी हुई है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसका नाम कुतुब मीनार रखा गया, उससे इस मीनार को वो 2 गुना बनाना चाहते थे। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे कि जो उसके अंदर कुतुब मस्जिद बनी हुई है उसी तरह से ये सेम उसके ढांचे में ढल जाए। आप देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो कुतुब मीनार से कहीं ज़्यादा बड़ी इसकी चौड़ाई है। कुतुब मीनार का ये जो सपना था ये बनाने का, ये पूरा कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये जो मीनार थी अलाई मीनार, जिसको क्या
अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण चालू कराया था, ये पूरी नहीं बन पाई। तो दोस्तों इस तरह के ब्लॉग हम बनाते रहते हैं, अपने वीडियो में दिखाते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड ये ब्लॉग हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।